हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो ग्राफिकल मेथड है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हम लोग ग्राफ को कैसे सॉल्व करेंगे या फिर ग्राफ को सॉल्व करने का क्या क्या तरीका हो सकता है उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले ग्राफ को सॉल्व करने का क्या मेथड हो सकता है, उसे उसको पहचानेंगे कैसे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको कुछ स्टेप लिखा है, जैसे कि रीड द प्रॉब्लम केयरफुली। सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ना होगा, उसको समझना होगा और उसके वेरिएबल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, उसका अननोन जो वेरिएबल होगा उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर आपको मेक द प्रॉपर प्रॉपर टेबल फॉर बोथ द इक्वेशंस। आपके पास चूंकि दो क्वेश्चंस होंगे, दोनों क्वेश्चंस को लेकर को आपको एक्स और वाई का एक टेबल बनाना पड़ेगा। वो टेबल कैसे बनेगा मैं आपको आगे बता दूंगा। फिर आपको एक ग्राफ पेपर पे ग्राफ को रिप्रेजेंट करना होगा, ड्रॉ करना होगा सेम एक्सिस पे। ठीक है, लोकेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास जो टेबल बनेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग वहाँ पे पॉइंट को लोकेट करेंगे। एक्स वाले में एक्स वाले को पुट करके लोकेट करेंगे, वाई वाले में वाई को पुट करके लोकेट करेंगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल, जब चूंकि अपने पास दो पॉइंट बनेंगे, कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ या फिर स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं। और दो ग्राफ यहाँ पर बनेंगे और दोनों ग्राफ जिस पॉइंट पर जाकर इंटरसेक्ट होगा कटेगा, वो मेरा एग्जैक्ट आंसर आता है एक्स और वाई के फॉर्म में। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे हम लोग देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले अपने पास जो ग्राफ पेपर होगा, तो हम लोग को ग्राफ पेपर में क्या करना होगा कि यहाँ पर हम लोग को लाइन खींचना होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो कार्टेशियन फॉर्म के, कार्टेशियन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग का जो सेंटर था वो सेंटर हम लोग का हमेशा जीरो होता है। ओके, और सेंटर के ऊपर में जो वर्टिकल जो हम लोग का लाइन जाता है वो वाई एक्सिस कहलाता है, जिसमें हम लोग ऊपर वाले बोर्ड को हम लोग वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे वाले को वाई डैश से। सेम हम लोग जो मेरा सेंटर हुआ, सेंटर के राइट हैंड साइड वाले को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाले को एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, साथ में क्योंकि ये मेरा जीरो हो गया, ठीक है, जीरो होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन को कोऑर्डिनेट कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर ग्राफ पेपर में आप जब देखते होंगे तो इसको हम लोग एक यूनिट मान लीजिए, इसको दो यूनिट मान लीजिए, 3 4 5 6 हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4 5 6 हो गया। सेम हम लोग का जो कि राइट लेफ्ट हैंड साइड में जो मेरा एक्स एक्सिस आएगा, जो कि एक्स डैश का फॉर्म में होगा, वो हमेशा हम लोग का नेगेटिव टर्म्स होगा। मतलब अगर राइट हैंड साइड में हम लोग का ये माइनस, ये वन टर्म्स में है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मेरा लेफ्ट हैंड साइड में मेरा माइनस वन के फॉर्म में होगा। मैं यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, आपको समझने में हेल्प मिलेगी। मैं जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर सेंटर पर माना है, सेंटर को हम लोग मैंने जीरो मान लिया है, उसके राइट हैंड साइड वाले को 1 2 3 4 5 6 मान लिया है। ठीक वैसे ही उसके लेफ्ट हैंड साइड वाले को -1 -2 -3 -4 -5 मान लिया मैंने। ठीक है, साथ में मैंने ऊपर में जो मेरा लाइन आ रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव लाइन में लेके चलते हैं, क्योंकि ये वाला लाइन मेरा एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। साथ में जो वर्टिकल लाइन होगा वो हम लोग के वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, इसके अकॉर्डिंग जो ऊपर में जो मेरा लाइन जाएंगे वो लाइन में हम लोग का 1 2 3 4 5 6 के फॉर्म में होगा, पॉजिटिव में होगा। नीचे वाला जो टर्म्स होगा हम लोग का हमेशा नेगेटिव टर्म में होगा। ठीक है, नेगेटिव टर्म में होगा। अब इस पर हम लोग देखेंगे क्या कि किसी ग्राफ को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बोलता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको इस वाले इक्वेशंस का ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, वे आर एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि ग्राफ पेपर पे आप लोग को एक ग्राफ, मैं एक रफली बता देता हूँ, यहाँ पे आपको ग्राफ पेपर पे एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करना होगा एक्स और वाई एक्सिस के फॉर्म में। मान लो जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये मेरा ग्राफ हो गया, ग्राफ हो गया। अब ये मेरा वाई एक्सिस हुआ और ये मेरा एक्स एक्सिस हुआ। ओके, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये वाई डैश हो गया और ये मेरा एक्स डैश हो गया। इसके अकॉर्डिंग ये जो मेरा टर्म्स था ये 1 हो गया, 2 3 4। मैं ज़्यादा नंबर लेकर नहीं चल रहा हूँ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। तो वैसे ही हम लोग नीचे में भी एक लाइन खींच देंगे और उसको नंबर से रिप्रेजेंट करेंगे,
-1 -2 -3 -4, ओके। फिर यहाँ पर भी होगा अपना 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें जो पहला जो क्वेश्चन हम लोग का जा रहा है वो बोलता है x इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। x का जो वैल्यू होगा 2 होगा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि x का वैल्यू 2 दिया है, y का वैल्यू कुछ दिया नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, x एक्सिस पे जो 2 आएगा इसी को हम लोग स्ट्रेटली आगे पीछे की तरफ ऊपर नीचे की तरफ इसको खींच देंगे और यहाँ पर एरो का साइन बना देंगे, क्योंकि ये मेरा लाइन आगे ऊपर भी बढ़ रहा है और नीचे भी बढ़ रहा है, ठीक है। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि y का वैल्यू यहाँ पर कुछ दिया नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, y को हम लोग यहाँ पर 0 मान लेते हैं, ठीक है। y को हम लोग यहाँ पर 0 मान लेंगे, साथ में जो अब हम लोग को बोलता है 2x इक्वल्स टू 1, इसके अकॉर्डिंग 2x इक्वल्स टू 1 y, दैट मीन्स x इक्वल्स टू व्हाट, 1/2 होगा। तब हम लोग क्या करेंगे, चूंकि ये मेरा पॉइंट जो आ रहा है ये 1 पे आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर इस चूंकि 0 ये सेंटर मेरा 0 कहलाता है, 0 और 1 के बीच में ही मेरा 1/2 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले टर्म में 1/2 को ऊपर और नीचे की तरफ ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ा यहाँ पर समझने में परेशानी हो सकती है चूँकि रफ मैं बना रहा हूँ इसको, ठीक है। और x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x इक्वल्स टू -4 होगा, ठीक है। तब हम लोग क्या करेंगे, x एक्सिस पे जो -4 होगा उसी को ऊपर और नीचे की तरफ मूव कर देंगे और यहाँ पे एरो का साइन बना देंगे, ठीक है। साथ में x इक्वल्स टू 0 है तो इसके अकॉर्डिंग चूंकि x इक्वल्स टू 0 है तो ये मेरा सेंटर पे ही रह जाएगा, ये जो मेरा नंबर है इक्वेशंस होगा वो सेंटर पे ही रह जाएगा और ये y एक्सिस को ही ओवरलैप करेगा, ओके। अब जो क्वेश्चन अपना आ रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग, वो मैंने x इक्वल्स टू पे बनाया था, अब इसको y के फॉर्म में मैं बना रहा हूँ, वेयर y इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर से मैं ग्राफ को रिप्रेजेंट करूँगा, ये मेरा सेंटर 0 हो गया, ये मेरा y हो गया, ये y डैश है, ये x डैश हो गया, और ये मेरा एक्स हो गया, लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, एक्स हो गया। इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसको हम लोग -4 -3 -2 -1, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 होगा, ठीक है, 4 होगा, ओके। अब यहाँ पर बोलता है कि y इक्वल्स टू 0, अब y जो मेरा 0 होगा चूँकि x का वैल्यू तो दिया नहीं है, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेरा इसका जो लाइन खिंचाएगा जो ग्राफ खिंचाएगा वो x एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस होगा। इस वाले के अकॉर्डिंग चूँकि y इक्वल्स टू 0 है तो ये फिर वापस मेरा यहाँ पर x एक्सिस को ओवरलैप करेगा, ये जो इक्वेशंस होगा इसका ग्राफ x एक्सिस पे ओवरलैप करेगा। साथ में अब क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स वाई इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, ठीक है। वाई इक्वल्स टू 2 होगा तो यहाँ पर वाई इक्वल्स टू 2 क्या है, यहाँ पे हो गया, क्योंकि ये मेरा 2 में 2 के फॉर्म में आ रहा है, माइनस 2 नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ऊपर की तरफ डायरेक्शन में जाएंगे। तो यहाँ पर 2 को पकड़ के हम लोग इसको एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लोग यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। द थर्ड वन इज 2y प्लस 4 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स 2y इक्वल्स टू -4 होगा, तो y इक्वल्स टू क्या होगा, -2। अब यहाँ इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग जब 2 आया था तो ऊपर में गया, तो -2 आएगा तो ऑब्वियसली हम लोग नीचे में जाएंगे, क्योंकि हम लोग में y एक्सिस में जो 2 का वैल्यू नेगेटिव में है वो नीचे में होता है, डाउनवर्ड में होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग -2 पे एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो ये मेरा पहला इक्वेशन का बन गया, ये सेकेंड इक्वेशन का बना ग्राफ और ये थर्ड इक्वेशन का ग्राफ बना, ओके। इसको आप लोग एक बार देख लीजिए,
अब जो क्वेश्चन अपने पास आता है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ग्राफिकली। अपने पास दो यहाँ इक्वेशंस दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन दे रहा है एक्स माइनस वन इक्वल्स टू वन, सॉरी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वन, और सेकेंड क्वेश्चन है टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एट हो गया। इस वाले क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ग्राफ के हेल्प से हम लोग सॉल्व करना है। और इसको हम लोग शेडेड रीजन पे हम लोग क्या करेंगे, शेड द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू लाइंस एंड वाई एक्सिस। जो यहाँ पर जो एरिया बनेगा उसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग उसको शेडेड करेंगे और उसका एरिया भी डिटरमाइन करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो अपने पास जो ग्राफ पेपर होंगे, ग्राफ पेपर पर हम लोग क्या करेंगे, लाइंस को खींच लेते हैं। जब लाइन खींचेंगे एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग में, और यहाँ पे हम लोग नंबर को रिप्रेजेंट भी करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 या फिर माइनस वन माइनस टू के फॉर्म में, जो कार्टेशियन फॉर्म का मैंने जस्ट बताया भी था। अब इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स माइनस वन इक्वल्स टू, सॉरी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वन हो गया। दैट मीन्स अगर इस वाले क्वेश्चन को हम लोग लेके चलते हैं, अगर इस वाले क्वेश्चन को हम लोग लेके चलेंगे एक्स माइनस वन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वन, दैट मीन्स यहाँ पर मैं एक टेबल को ड्रॉ करता हूँ। टेबल कैसे बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम लोग एक्स और वाई का कुछ वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर एक्स का वाई का वैल्यू इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स का वैल्यू क्या होगा, वाई प्लस वन होगा, क्योंकि ये मेरा वाई इधर साइड में माइनस है तो वो राइट साइड राइट हैंड साइड जाएगा तो प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, x इक्वल्स टू वाई प्लस वन होगा। दैट मीन्स अगर y का वैल्यू वन होगा तो x का वैल्यू टू होगा ऑब्वियसली। ठीक है, साथ में अगर y का वैल्यू टू होगा तो x का वैल्यू थ्री होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस पे एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो x इक्वल्स टू टू और y इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो अपने पास x टू कहाँ पे है, यहाँ पे है, y वन यहाँ पे है। दैट मीन्स हम लोग का जो यहाँ पर जो शेडेड रीजन होगा वो ये कहलाएगा। मैं इसको ब्लू से मार्क करता हूँ, एक मिनट। अपना जो इक्वेशन आएगा वो यहाँ पर पॉइंट होगा। ठीक है, टू और वन के फॉर्म में, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, टू और वन के फॉर्म में जा रहा है। साथ में x इक्वल्स टू थ्री है तो y इक्वल्स टू टू हो गया। ठीक है, x इक्वल्स टू थ्री है, x के वैल्यू यहाँ पर 3 आएगा, y के वैल्यू यहाँ पर 2 आएगा, वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो x के वैल्यू 3 है और 2 के फॉर्म में है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों पॉइंट को आगे दोनों पॉइंट को मिला देंगे, मिला करके एक एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मिलाने पे जो यहाँ पर जो लाइन जाएगा वो किस कुछ इस टाइप से जाता है। ठीक है, कुछ इस टाइप से जाएगा। यहाँ पर हम लोग का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मेरा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और साथ में कोऑर्डिनेट्स मेरा उस वाले पॉइंट पर बन रहा है, टू वन और थ्री टू पे बन रहा है कोऑर्डिनेट्स। अब इक्वेशन टू के अकॉर्डिंग, इक्वेशन टू के अकॉर्डिंग, टू एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एट हो गया। दैट मीन्स टू एक्स बराबर क्या होगा, 8 माइनस वाई हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग x का वैल्यू क्या होगा, 8 माइनस वाई बाई टू होगा। ठीक है, x 8 माइनस वाई बाई टू होगा। अब इस वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, y का वैल्यू इसमें फिर से वापस हम लोग एक टेबल बनाएंगे x और y के फॉर्म में, x और y के फॉर्म में हम लोग एक टेबल बनाएंगे एक्स वाई, जिसमें हम लोग वाई का वैल्यू अगर टू लेते हैं, वाई का वैल्यू अगर टू लेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 8 माइनस टू बाई टू। दैट मीन्स 8 माइनस टू इक्वल्स टू 6, 6 बाई टू इक्वल्स टू 3 हो गया। अब वापस हम लोग y का वैल्यू हम लोग 4 ले लिए, 4 लेंगे तो 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 4, 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस टेबल के अकॉर्डिंग पे यहाँ पे एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, खींचेंगे। तो हम लोग देखते हैं एक्स इक्वल्स टू 3 आ रहा है, वाई इक्वल्स टू 2 आ रहा है, तो x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2 हम लोग का वापस फिर से इस लाइन पे बन रहा है। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे बन रहा है, कोऑर्डिनेट्स बन रहा है। अब साथ में आ रहा है x और y में x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू 4 हो गया।
एक्स का वैल्यू 2 हो गया, अब वाई का वैल्यू 4 हो गया, मतलब कि इस वाले पॉइंट पे आ रहा है, बन रहा है, ठीक है। अब लोग क्या करेंगे, इस वाले लाइन को आगे पीछे की तरफ मूव करेंगे, तो क्योंकि तो मेरा एरिया जो बनेगा उसी स्टेप से बनेगा, ये 7 पे जाके 7 पे जाके कट जाता है, ठीक है, 7 पे जाके कट जाएगा। ये मेरा जो हुआ, हम लोग को लास्ट में क्वेश्चन में लिखा हुआ किया है कि आपको इस वाले रीजन को सेडेट करना है एंड ऑल्सो डिटरमाइन दिस एरिया, और इसके एरिया को डिटरमाइन भी करना है वाई एक्सिस के अलोंग पे, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग पे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सेडेट करते हैं, मान लो मैं ग्रीन कलर से ले लेता हूँ, इसको मैं छोटा छोटा सेडेट कर देता हूँ, ओके, मैं इसको सेडेट कर दिया। सेडेट करने के बाद मुझे अब इस वाले ट्रायंगल का फाइंड करना है एरिया, ठीक, ओके। तो एरिया फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि तो अपने पास मैं इसको कोऑर्डिनेट्स को कुछ नाम दे देता हूँ, मान लो इसको मैं ए दे दिया, इसको ए मान लिया गया, इसको बी माना गया है, और इसे सी माना गया है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो इसमें बीस का बेस क्या है, बेस इसका हम लोग यहाँ पे इसको मान लेंगे 7 से लेकर के -1 को मान लेंगे, तो यहाँ पर जो टोटल यूनिट्स होंगे, क्योंकि -1 से 0 तक मेरा 1 यूनिट हुआ, और 0 से 7 तक मेरा 7 यूनिट हुआ, तो टोटल मिला के हम लोग का टोटल 7+1 दैट मीन्स 8 यूनिट हो गया। तो एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हुआ, दैट मीन्स 1/2 इंटू बेस क्या हुआ मेरा यहाँ पे 8 हो गया, ठीक है। और हाइट क्या होगा, हाइट मेरा ऑब्वियसली ये पॉइंट कहलाएगा, जो 2 पे भी जो मेरा लाइन जो कट रहा है इसको हम लोग हाइट मानते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसका हाइट कहाँ तक जाएगा, तो ये एक्स एक्स पे 3 पॉइंट पर जा रहा है, दैट मीन्स इसका हाइट का जो वैल्यू होगा वो 3 होगा, ओके 3 होगा। इसके अकॉर्डिंग इसको मैं 4 से कर दूंगा, और इसका आंसर 4 3 12 यूनिट स्क्वायर, चूँकि एरिया का जो ऐसा यूनिट होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट पे होता है, क्योंकि तो हम लोग पता नहीं ये कौन किस यूनिट पे है, ये हो सकता है सेंटीमीटर में हो सकता है मीटर में हो, या फिर हो सकता है इंच पे भी हो। तो जो जिस यूनिट में मेरा क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर यूनिट स्क्वायर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, इंच स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हम लोग डाल देंगे, ओके। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू 12 यूनिट स्क्वायर। आगे जो क्वेश्चन बोलता है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली, आपको यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, इक्वेशन दिए गए हैं 2x+3y=2 और x-2y=8, इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ग्राफ की हेल्प से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को एक ग्राफ तैयार करना पड़ेगा, एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि एक ग्राफ बनाना पड़ेगा x-ox और y डैश के फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ग्राफ पेपर लेंगे, इस ग्राफ पेपर पर हम लोग लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म में, साथ में हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग यूनिट वाइज उसको डिवाइड करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, मैंने कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन हो गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं इक्वेशन 1 का, हम लोग देखते हैं ग्राफ ऑफ 2x+3y=2, इसके अकॉर्डिंग 2x+3y=2 होगा, दैट मीन्स 3y=2 क्या होगा, 3y=2 ऑब्वियसली ये भी मेरा 2x, जब राइट हैंड साइड आएगा तो वो माइनस में बदल जाएगा, 2 -2x हो गया। इसके अकॉर्डिंग 3y=2 क्या हो जाएगा, 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने पे क्या होगा 2 × 1 - x हो जाएगा। अब y=2 जो मेरा आंसर है जो आ रहा है फाइनली, जो कि x के फॉर्म में आ रहा है, वो 2 × 2x(1 - x)/3 आ रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जब हम लोग एक्स के वैल्यू पर 1 पुट करेंगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, एक्स के वैल्यू जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं वाई का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि वो कैसे आएगा, 0 आएगा क्योंकि 1 - 1 = 0 हो गया, और 0 को जब हम वापस 2 से मल्टीप्लाई करते तो 0 हुआ, वापस फिर 0 को हम लोग जब 3 से डिवाइड करते हैं तो मेरा आंसर यहाँ पर 0 आ जाएगा। साथ में जब हम लोग देखते हैं कि x का वैल्यू, यहाँ पर हम लोग दो टर्म लेते हैं x का, दो वैल्यू डाला जाता है,
एक्स के वैल्यू अगर -2 डालते हैं, तो जब यहाँ पर -2 डालेंगे तो 1 माइनस -2, दैट मीन्स 1 माइनस -2, माइनस को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 इक्वल्स 3 हो गया, तो 3/3 कट गया और मेरा वाई का जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो मेरा टेबल बनेगा, अगर एक्स मेरा 1 होगा तो वाई मेरा 0 होगा, ठीक है, अगर एक्स मेरा -2 होगा तो वाई मेरा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ए और बी पे एक कोऑर्डिनेट्स बना करके ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे बनेगा ये कोऑर्डिनेट्स, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक्स वाई को, चूंकि यहाँ पर क्या है 1 और 0 है, तो मेरा ए कहाँ पर गया 1 और 0 पर गया, ओके, साथ में बी मेरा कहाँ पर गया -2 और 2 पर गया, तो बी के अलोंग हम लोग क्या करेंगे -2 और 2 को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये हम लोग जो ग्राफ बनाया है ये हम लोग का पहला इक्वेशन का ग्राफ हो गया, एक पहले इक्वेशन का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे सेकेंड वाले क्वेश्चन का, सेकेंड क्वेश्चन क्या है मेरा x-2y=8 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे अब सेकेंड वाले क्वेश्चन का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, सेकेंड वाले क्वेश्चन को ग्राफ बनाने के लिए हम लोग फिर से सेम वैसे ही करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे वाई के फॉर्म में या फिर वाई का वैल्यू निकालेंगे एक्स के फॉर्म में। तो फर्स्ट वाले में हम लोग क्या किए थे, एक्स का वैल्यू निकालते वाई का वैल्यू निकालते एक्स के फॉर्म में, वैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे x-2y=8 हो गया, दैट मीन्स 2y=x-8 हो जाएगा, ऑब्वियसली मेरा -2y उधर साइड जाएगा तो +2y हो जाएगा और 8 मेरा इधर साइड आएगा तो -8 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग y का जो वैल्यू आएगा x के फॉर्म में वो x-8/2 होगा। अब हम लोग अगर x का वैल्यू 2 देंगे, यहाँ पर अगर हम लोग x का वैल्यू 2 दे देंगे तो 2-8=-6 होगा, -6/2 दैट मीन्स -3, तो हम लोग को y का वैल्यू -3 आ गया। साथ में जब हम लोग x का वैल्यू 4 देंगे तो 4-8=-4 हो गया, फिर -4 को हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो -2 होगा, दैट मीन्स अगर x का वैल्यू अगर 4 होगा तो y का वैल्यू -2 होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इस पर एक टेबल को फॉर्म करेंगे, जो टेबल हम लोग को इस टाइप का बनेगा, अगर x मेरा 2 है तो y मेरा -3 होगा, या फिर x अगर 4 है तो y का वैल्यू -2 होगा। अब इस वाले टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग फिर से एक नया ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग फिर से एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग p और q के फॉर्म में मानते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो मेरा ग्राफ बन रहा है वो कुछ इस टाइप से बन रहा है, हम लोग क्या किए 0, 2-3 और यहाँ पे 2-3 का जो फॉर्म आया मेरा p पे आ गया, और q का जो वैल्यू आ गया मेरा 4 और -2 के फॉर्म में आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन मेरा गलत हो गया, मैं बता दे रहा हूँ, तो p का जो वैल्यू होगा वो 2-3 हो गया, p के वैल्यू 2-3 होगा और q का वैल्यू 4-2 होगा। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एक्स का वैल्यू अगर 2 होगा तो वाई का वैल्यू -3 होगा, अगर एक्स का वैल्यू 4 होगा तो वाई का वैल्यू -2 होगा। तो हम लोग यहाँ पर 2-3 ले लिए और 4-2 ले लिए, 4-2 ले लिए। इसके अकॉर्डिंग जो पी का जो वैल्यू आया यहाँ पर 2-3 के पॉइंट यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, एक कोऑर्डिनेट्स बनेगा। सेकेंड जो क्यू का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो मेरा 4-2 पर बनेगा। ठीक है, अब हम ये जो पॉइंट जो हम लोग का कट रहा है कहाँ पे जाके कट रहा है, ये मेरा क्यू पे ही जाके कट जा रहा है, जो मेरा लाइन जो जा रहा है वो इंटरसेक्ट हो रहा है क्यू पे ही हो रहा है, दैट मीन्स ये जो कट रहा है ये मैं 4 और -2 पे कट रहा है, दैट मीन्स 4 क्या वो मेरा एक्स एक्सिस हो गया और -2 वाई एक्सिस हो गया। हमेशा एक्स को पहले लिखते हैं वाई को बाद में लिखते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो मेरा एक्स का वैल्यू होगा वो 4 होगा और वाई का वैल्यू -2 होगा। इस वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मेरा एक्स का वैल्यू हो गया 4 हो गया और वाई का वैल्यू -2 हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वाले क्वेश्चंस में या इस किसी भी टाइप के क्वेश्चंस में किसी भी टाइप का कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।